बोली बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय। अलवर के अंदर गुरुदेव भगवान का ये देखिए हम आपको बिल्कुल लाइव दिखा रहे हैं। पावन पवित्र बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज हैं, उनका महादिव्य दरबार देखिए, बहुत ही सुंदर अलवर के अंदर सजा हुआ है। बड़ी जबरदस्त भीड़ आने की संभावना है, यहाँ पे लगभग 10 लाख लोग यहाँ पहुँचने की आशंका है और पहुँचेंगे। सुबह से ही पंडाल फुल है, जबरदस्त अंदर देखिए, आप देखेंगे तो अंदर लगभग यहाँ पे जो कथा का पंडाल है, पंडाल के अंदर बड़े जबरदस्त जबरदस्त लगभग छह होल बनाए गए हैं, जिन होलों के अंदर लगभग क्षमता है 20 लाख लोगों की अंदर बैठने की क्षमता है। तो देखिए कितने भव्य तरीके से ये महा आयोजन गुरुदेव भगवान का अलवर के अंदर। आप सभी भक्तगण, माताएं, बहनें, बुजुर्गन सभी आमंत्रित हैं। गुरुदेव भगवान की बहुत ही सुंदर 3 दिवसीय यहाँ महा आयोजन होने जा रहा है। बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट दे रहे हैं, बिल्कुल ताज़ा अपडेट दे रहे हैं, बिल्कुल लाइव का लाइव आप देख रहे हैं। सभी के सभी जो भी आप देख रहे हैं पावन पवित्र बागेश्वर धाम के गुरुदेव भगवान की जो कथा है, श्री हनुमत कथा महा आयोजन, अभी थोड़ी देर में यहाँ हर रोज मंगल यात्रा निकलेगी, ध्वज यात्रा निकलेगी, ध्वज यात्रा के साथ साथ और यहाँ पे देखिए 25 गेट बाहर की तरफ जो हाईवे है, हाईवे के ऊपर लगभग 25 गेट बनाए गए हैं। 25 गेटों से आप यात्री और भगतगण यहाँ पे पहुँच पाएंगे। बड़ा ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे व्यवस्था की गई है सभी किसी भी तरह की, और वैसे भी यात्रियों के आने के लिए सुविधा बहुत सुंदर है। यहाँ पे कोई किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है, क्योंकि रेलवे स्टेशन से हम आए थे, रेलवे स्टेशन से बिल्कुल सुंदर व्यवस्था है। रेलवे स्टेशन से आप 20 रुपये लगेंगे, बस स्टैंड से भी 20 रुपये लगेंगे, बिल्कुल खुला वातावरण है। और ट्रेन में भी ज़्यादा ऐसा सफ़र इतना नहीं है, क्योंकि कई बार भीड़ होती है, तो यहाँ पे भीड़ का भी इतना वो ज़बरदस्त नहीं है। तो यहाँ बाएं दाएं के जितने भी धर्म प्रेमी सज्जन आना चाहते हैं, आप बिल्कुल आराम से आ सकते हैं। तो ये गुरुदेव भगवान का महादिव्य दरबार अलवर के अंदर सजा है, इसके अंदर आप सभी धर्म प्रेमी सज्जन, माताएं, बहनें, बुजुर्ग सभी के सभी आमंत्रित हैं। बहुत खाने पीने की ठहरने की उत्तम व्यवस्था है, सभी को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है ठहरने की। खुले ग्राउंड के अंदर ये महा आयोजन है, पहाड़ियों के बीच में संतों के साथ आइए। 3 दिन का ये महा आयोजन है गुरुदेव भगवान का अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अलवर के अंदर ही यह कार्यक्रम है। बिल्कुल सुंदर तरीके से आप आइए यहाँ, और श्री हनुमत कथा महादिव्य दरबार होगा, 7 तारीख का दिव्य दरबार है, इसमें भी आप आमंत्रित हैं। ये 25 लगभग बार हाईवे रोड के ऊपर 25-30 गेट बनाए गए हैं। आप देखिए पब्लिक कितनी आएगी, और सभी भक्तों के हम आपको ये दर्शन करा रहे हैं। तो आप जुड़े रहिए, बोलिए बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय। बता रहे हैं, सूचना दे रहे हैं सभी माताएं, बहनें, बुजुर्ग और पावन पवित्र बागेश्वर धाम के जितने भी भक्त हैं, उन सभी को गुरुदेव भगवान आ रहे हैं अलवर राजस्थान के अंदर। श्री हनुमत कथा महा आयोजन अलवर के अंदर होने जा रहा है 7, 8, 6 तारीख की महा कलश यात्रा है, जिसके अंदर लाखों भक्तों का बहुत बड़ा कलश यात्रा है, माताएं बहनों के साथ और भक्तों का डीजे ढोल नगाड़ों के साथ बहुत ही सुंदर महा कलश यात्रा अभियान, तिरंगा अभियान और सनातन अभियान का महा आयोजन होने जा रहा है 6 तारीख को। 6 तारीख को आप सभी धर्म प्रेमी सजन अलवर राजस्थान के अंदर आमंत्रित हैं। गुरुदेव भगवान की 3 दिवसीय महा श्री हनुमत कथा का महा आयोजन है। पावन पवित्र बागेश्वर धाम के गुरुदेव भगवान श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज अलवर पहुंच रहे हैं। इस दिव्य समागम के अंदर आप सभी धर्म प्रेमी सजन माता